तो ये जो एमेथिस्ट कार्ड है उसके साथ जो डेंजर डांसर ऑफ फ्रस्ट्रेशन कार्ड आया है, लेकिन इसके साथ जो खास कार्ड जो मुझे यहाँ पर मेरा ध्यान खींच रहा है वो ये कार्ड है। दिस इज प्लेफुलनेस का कार्ड है, इस पर प्लेफुलनेस लिखा हुआ है। यहाँ पर फियर फियर का भी यहाँ पर हमारे को कार्ड दिख रहा है। फ्रस्ट्रेशन एंड फियर एंड प्लेफुलनेस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली ये जो व्यक्ति है ना, ये इसका और आपके बीच का रिलेशन ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशन है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशन का क्या मतलब होता है, यानी ऑफिशियली आप फ्रेंड्स हो, ऑफिशियली दूसरे लोगों के बीच के लोगों को ऐसा शायद लगता होगा कि आपके बीच में कोई खास रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशन है, लेकिन ये एक हिडन रिलेशनशिप है जिसमें आप का फायदा ये व्यक्ति उठा रहा है और आप इस रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये व्यक्ति उतना आपको नहीं दे रहा है, और जो आप डिजर्व करते हो उस रिलेशनशिप में वो ये व्यक्ति आपको नहीं दे रहा है, बल्कि आपसे बेनिफिट उठा रहा है, आपसे फायदा उठा रहा है। ओके और ये व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, काफी निराश है, अवसादों से घिरा हुआ है, इसकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, इसको फियर के इशू हैं, इसको बहुत सारे इशू हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये मेंटली दिस पर्सन इज नॉट अ वेरी हेल्दी पर्सन। मे बी ही इज अ साइकोपैथ, मे बी ही इज अ मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली ही इज कंप्लीटली ब्रोकन पर्सन, है ना। बहुत ही ज्यादा डरी हुई, फ्रस्ट्रेशन की, निराशा की, अवसाद की, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस व्यक्ति की लाइफ है। इसकी व्यक्ति की लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं, इसको बहुत सारे लाइफ में इश्यूज हैं और इसके अपने इश्यूज इतने सारे हैं, इतने ज्यादा हैं कि ये अपनी ही उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि ये आपसे बेनिफिट ले सकता है लेकिन आपको बेनिफिट दे नहीं सकता, और इसी वजह से ये आपको कोई अपनी जिंदगी में कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दे रहा है। और कई बार ये आपको शो करता होगा कि गलती तुम्हारी है, आपकी गलती है, अब लेके और आपको ये कहीं ना कहीं अब्यूज भी करता होगा। मे भी ये रिलेशनशिप अब्यूसिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये व्यक्ति आपको बार बार गिल्टी फील करवाता होगा कि अगर रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो इसमें गलती तुम्हारी है। तो इसका मतलब, लेकिन कतई आप ये मत समझना कि इसमें इस रिलेशनशिप की गड़बड़ होने में आपकी कोई कमी है, या आपकी तरफ से कुछ और ठीक किया जा सकता है, या आपकी तरफ से कुछ और बेहतर किया जा सकता है। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, तो उसका सिर्फ मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस व्यक्ति की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको इस व्यक्ति से बचने की जरूरत है, आपको इस व्यक्ति के कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में जाकर अपने आप को डालकर और उलझने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति अपने खुद के नेगेटिव माइंडसेट के कारण, अपनी प्रॉब्लम्स के कारण, अपने कॉम्प्लिकेशंस के कारण आपके साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएगा, न्याय नहीं कर पाएगा, और लेकिन ये ना कभी सीधे सीधे मुंह से या साफ साफ आपको ये भी नहीं कहेगा कि तुमको मेरे से कोई फायदा नहीं हो रहा या तुमको मेरी वजह से नुकसान हो रहा है, तो मैं तो तुम अपने लिए कुछ अच्छा देख लो, अपने लिए कुछ बेटर देख लो, या मुझे छोड़कर चले जाओ। नो, ये व्यक्ति कभी भी, इसलिए मैंने कहा ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट का तरह का ये रिलेशन है। ये व्यक्ति ना आपको, आपसे इस व्यक्ति को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको आपसे इस व्यक्ति को जो फायदे मिल रहे हैं, वो फायदों को ये छोड़ना नहीं चाहता है, और इसलिए ये बिना कमिटमेंट के फ्लर्टी प्लेफुल एनर्जी में इसने आपको फंसा रखा है। प्लेफुल एनर्जी का मतलब होता है प्लेबॉय टाइप की एनर्जी, यू नो इट बेटर। तो इसने आपको फ्लर्टी रिलेशनशिप में, प्लेफुल रिलेशनशिप में फंसा रखा है, ताकि होगा ये कि इससे आपको जो फायदा मिलना चाहिए वो ये कभी नहीं देगा। हमेशा अपने आपको बताएगा मैं परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कैसे दूँ, ऑब्वियसली ये दे भी नहीं सकता, लेकिन आप जो इसको देते रहे वो देते रहो, क्योंकि इतना बेचारा है कि अगर आपसे जो मिलने वाली चीज है वो भी इसको नहीं मिलेगी तो इसको बेचारे को देगा कौन। इसलिए ये आपका बेनिफिट उठाएगा, बदले में आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है, और कमिटमेंट के बारे में तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ये आपको इतना बेयर मिनिमम, बिल्कुल थोड़ा सा इतना देता है, ब्रेड क्रम्बिंग बोलते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा करके इतना ही अटेंशन देगा या उतना ही एनर्जी टाइम वेस्ट करेगा आपके ऊपर, जितना कि आपको इसकी जिंदगी में रोक के रखने के लिए जरूरी। आप चले ना जाओ, आप छोड़कर चले ना जाओ, इसके लिए जितना कुछ थोड़ा बहुत दे देने की जरूरत है उतना ही व्यक्ति आपको दे देगा। उससे ज्यादा बढ़ने की या रिलेशनशिप में आगे स्टेप लेने की इस व्यक्ति की कभी भी इंटेंशन नहीं रहेगी। और आप ना इसके लिए बहुत सारे ऑफर्स में से, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में, या बहुत सारे ऑप्शंस में से केवल आप एक ऑप्शन हो, आप केवल एक ऑप्शन हो, आप इसकी प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं हो, और ये आपको एक ऑप्शन बना के अपनी जिंदगी में रखना चाहता है। जब तक इसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जब तक इसको आपसे बेटर कुछ नहीं मिल रहा ना, तब तक ये सिर्फ ना डिफेंसिव गेम खेला है। डिफेंसिव गेम समझते हैं आप, बचाव के तरीके वाला गेम खेला है कि आप बने रहे और जब आपसे बेटर कुछ मिल जाएगा तो
फिर ठीक है वो उस समय आपको छोड़ देगा, आपको ये सेव कर रहा है, आपको स्टेपनी की तरह यूज कर रहा है, आपको आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ये व्यक्ति यूज कर रहा है। ओके ये व्यक्ति के लिए आप एक्सक्लूसिव नहीं हो, तो आप जो इसको एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट अगर दे रहे हो ना, यू आर द ओनली वन, ऐसा ट्रीटमेंट अगर आप इस व्यक्ति को दे रहे हो तो आप भी इसको एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट देना बंद कर दो, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए आप यू आर नॉट द ओनली वन, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, तो आप भी इसके लिए एक्सक्लूसिव बन के ना रहिए। और इस बात पर ना आपको हर्ट होने की जरूरत नहीं है कि मैंने इसको इतना, मैंने तुमको इतना दिया, मैंने इतना टाइम दिया, तुमको बदले में कुछ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप झगड़ा करें या आप बदला लेने की कोशिश करें या आप हर्ट हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपको बदले में कुछ नहीं देने वाला, ये कहेगा वो रास्ता पड़ा, वो दरवाजा है, वहां से तुम जा सकती हो या जा सकते हो। ओके तो ये व्यक्ति इस लेवल का, इस व्यक्ति के अंदर मैंने आपको बताया मेंटल, ही इज मेंटली ब्लॉक्ड पर्सन, इसलिए इसको अटेंशन देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर अटेंशन देना ना इसकी कैपेसिटी में ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकेगा। इसलिए इसको भी आप ऑफेंडेड फील करना बंद करो, आप हर्ट फील करना बंद करो। आप हर्ट फील करने और ऑफेंडेड फील करने के चक्कर में जितनी जितनी बार रिटर्न बैक होगे इसकी तरफ जाओगे उतनी बार और ज्यादा हर्ट लेकर ही आप आओगे। ठीक है, तो अगर इस व्यक्ति के साथ आपको कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया और मैंने आपको बोला है कि आपको इससे दूर रहना चाहिए, और हाई अटैचमेंट के कारण आप इससे एकदम से कट ऑफ अगर नहीं भी हो सकते हो, तो भी आप इस व्यक्ति से ना सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखिए। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट अगर आपका इस व्यक्ति के साथ है तो डेफिनेटली बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी नेगेटिव एनर्जीज आपको भी इफेक्ट करेंगी, इसका नेगेटिव माइंडसेट आपको भी अफेक्ट करने लगेगा। और अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग का सपोर्ट लीजिए, ताकि आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सको और धीरे धीरे अपने मेंटल अटैचमेंट को खत्म करके इस व्यक्ति से आप दूरी मेंटेन कर सको। ओके और एमेथिस्ट का क्रिस्टल आपको स्पिरिचुअलिज्म में हेल्प करेगा, आपको मेंटेलिटी को, आपकी मेंटेलिटी को सुधारने में हेल्प करेगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा, आपको बैलेंस में रखने में एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथ को सुदेश जहाँ पे सूरज सा उजाला, पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने